शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र, शुद्ध देसी गाय इंडिजिनियस जेबो काओ, एक ऐसा महामहौषधि है जिसमें 26 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम से लेके हर प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। शरीर शुद्धिकरण के लिए अत्यंत उपयोग तत्व है। इसको पान करने से 9 ग्रह जनित नेगेटिव जितने भी एनर्जी है वे सारे टॉक्सिन बॉडी से शरीर से निकलते हैं और शरीर स्वास्थ्यवान आरोग्य प्राप्त करता है। आप लोग जानते होंगे प्रायश्चित कर्म के लिए भी हमारे कर्म कांड में पंच गोभ्य और गोमूत्र का पान करने का विधान बताया गया है। और जो शिव धाम भोलेनाथ का जो धाम है देवघर बिहार में, वहाँ एक ठाकुर अनुकूल चंद्र रहते हैं, उनका आश्रम है उनका। तो जब भी आप कोई पूजा पाठ जब तब में अगर खंडित कर दिए तो उसका प्रायश्चित के लिए उनके पुस्तक में गोमूत्र पान का विधान बताया गया है। और आप सबको पता होगा आज विश्व में गोमूत्र को पेटेंट करने के लिए भी अमेरिका लगा हुआ था। और कैंसर जैसे रोग में भी ये बहुत लाभकारी गोमूत्र है। और केवल गोमूत्र से शरीर का बल बुद्धि होना, पुरुष शक्ति का बुद्धि वृद्धि होना और शरीर के जितने भी कचड़ा है, टॉक्सिन है, मल है, सारे बाहर निकलना। और आपको पता हो जिसको लक्ष्मी प्राप्त करना है, बताया गया है गोमये वसते लक्ष्मी गोमूत्रिश्च गंगा, तो गोमूत्र में गंगा जी का वास है और गोबर में लक्ष्मी माई का वास है। तो ऐसा ही आपके शरीर में जो गंगा जल है वो गोमूत्र है और शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन का नहीं होना चाहिए। ऐसा गोमूत्र का पान अगर आप कम से कम 90 दिन पी के देख लो, फिर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, दुख, कष्ट, पीड़ा, अशांति जनित समस्या से बाहर निकलोगे, साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर से बाहर निकलोगे। दारू मदिरा और किसी भी प्रकार का नशा पता का बहुत ज़्यादा मन में जो अगर ये लगता है, टीस बार बार लगता है, तो भी वहाँ से आपको ये रिलीफ और रिलीज करवाता है। इसलिए गोमूत्र का पान करें और जीवन को सुख शांति समृद्धि में लेके जाएं। जिनको भय वगैरह भी लगता है तो राहु से भय लगता है, और राहु माने गोमूत्र और राहु माने गोबर, तो कंटे से कांटा को काटता है। तो ये उस जनित समस्याओं को भी, साइकोलॉजिकल समस्याओं को भी दूर करता है। धन्यवाद, नमस्कार।